तो आज हम ट्राई करेंगे अमीरो के मैंगो मिल्क शेक, ठीक है, एंड देखेंगे इनका टेस्ट एक्चुअली में कैसा exactly. है, क्योंकि वैसे तो हम सब घर का ही पीते हैं, बट आज हमने सोचा कि जो अमीर लोग पीते हैं वो हम भी पी के देख लेते हैं, पर उसके लिए हमारे को पहले पीना पड़ेगा, सो लेट्स ड्रिंक। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम किसका मिल्क शेक पीने वाले लोगों को बताओ। okay, सबसे पहले पीने वाले बर्गर किंग का मिल्क शेक, इसका नाम है मैंगो थिक शेक एंड प्राइस है 189 रुपीज। ये उसका प्राइस है 189 रुपीज एंड बेसिकली इसकी जो पैकेजिंग है ना स्टारबक्स जैसी, जब स्टारबक्स से कॉफी मंगवाते हैं ना तो काइंड ऑफ ऐसी पैकेजिंग आती है, बाहर कंस्ट्रक्शन होती है उसकी आवाज को अवॉइड करना, ठीक है। अभी जो मिल्क शेक ना मैंगो वाले, मुझे पता है ज्यादा लोग घर पे पीते हैं, बट स्टिल हमने मंगवाया है क्योंकि जो अमीर लोग पीते हैं ना, हमने सोचा हम भी ट्राई करके देखें। हम तो घर पे बना के पीते हैं, अमीर बन नहीं सकते बट फील तो ले सकते हैं ना, ठीक है। अभी मिल्क शेक देखने बड़ा सिंपल सा, ठीक है, इसका कलर मैंने आपको दिखा दिया क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट यू नो कंटेनर नहीं है तो इसको निकालना पड़ा, तो मैंने दिखा दिया आप लोगों को। एंड क्वांटिटी वाइज ठीक है, ये क्वांटिटी ठीक है, पर बहुत लाइट नहीं लग रहा देखने में। लाइट है बट भाई साहब पहले आप स्टार्ट करो, ठीक है, देखो ठीक है कैसे। एंड जो मैंगो मिल्क शेक होता है ना, हम जो घर में बनाते हैं बनाते प्रॉपर मैंगो के पल्प से, मतलब जो भी लोग बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंगो मिल्क शेक है, मुझे लगता है ये जो होते हैं ना, मतलब यू नो क्रश मैंगो, क्रश या मैंगो फ्लेवरिंग से बनाते हैं। फ्लेवर पता कैसा है, ऐसा है कि आइसक्रीम होती है ना, आइसक्रीम को मेल्ट कर दिया, मैंगो शेक का फ्लेवर नहीं है। इफ यू हैव ना यू विल सी, काफी ऐसा है कि मैंगो आइसक्रीम को मेल्ट कर दिया, मिल्क शेक का नहीं है। टेस्ट अच्छा है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा ना जो KFC का क्रशर आता था, सिमिलर, हाँ काइंड ऑफ सिमिलर, थोड़ा बहुत वैसा इसका टेस्ट आ रहा है, वो थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ा मतलब थिक टाइप का होता था, ये थोड़ा सा मतलब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली मतलब थिन टाइप का, बट इसमें ना यू नो व्हाट शुड बी लाइक नॉर्मल मैंगो मिक्सचर के अंदर फिर चंक्स भी होते हैं मैंगो के, लेकिन इसमें काफी नॉर्मल आइसक्रीम ही लग रही है ऑनेस्टली, बट आने कुछ नहीं, मेरे को टेस्टी लगा काइंड ऑफ, फाइन नॉट बैड एट ऑल, टेस्टी है। तो अभी हम ट्राई करेंगे दूसरा वाला मिल्क शेक, ठीक है, अगर आपको मंगवा के ट्राई करना तो कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास बहुत पैसे अंधा पैसा है तो आप यही सब पीने वाले, ठीक है। अभी ट्राई करके देखते हैं दूसरा मिल्क शेक एंड देखते हैं उसका टेस्ट कैसा है, लेट्स ड्रिंक दैट वन। सो इट्स टाइम फॉर सेकंड मिल्क शेक, एंड भाई साहब इसको हमने कहां से मंगवाया, इसका प्राइस क्या प्लीज लोगों को बताओ। ओके, इसको हमने मंगवाया बास्किन रॉबिन्स से, इसका नाम है फ्रेश अल्फोंसो मैंगो मिल्क शेक, इसका प्राइस है 220 रुपए, मतलब 220 रुपीज, ठीक है। तो ये 220 का, लास्ट वाला कितने का था, लास्ट वाला था 189 का, मतलब 190 रुपए, मतलब थोड़ा सा और अमीरो वाला, एक्जेक्टली थोड़ा सा और अमीरो वाला मैंगो मिल्क शेक, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसके अंदर लिखा हुआ था कि इन्होंने मैंगो पल्प यूज़ किया, ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट करें इसमें टेस्ट ऐसा होगा। एंड ये जो मैंगो मिल्क शेक है ना, इसका कलर थोड़ा बहुत हमारे घर जैसा है, एक्चुअली ये असली मैंगो मिल्क शेक होता वैसा ही लग रहा है देखने में। एंड इसके अंदर जो कंटेनर हमारे को मिला वो रीयूजेबल है, सो यू कैन रीयूज दिस कंटेनर, एंड मैंने इसको देखा तो ये स्पिल भी नहीं कर रहा, ठीक है। बट एक चीज है, जब मैंने इसको उल्टा करा, ऑब्वियसली दिस थिंग डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि अगर ऊपर तक भरा होगा इट्स गोइंग टू लाइक स्पिल आउट, बट ये काफी कम था, बहुत कम था, इसे ये इनकी ट्रिक हो गया, आई डोंट नो क्या है, क्योंकि बहुत कम भरा हुआ है नॉर्मल से, ट्रिक थी ऑब्वियसली, क्वांटिटी बाहर गिर जाएगी मुझे नहीं पता, बट ऊपर काफी ज्यादा स्पेस अवेलेबल था, मुझे थोड़ा सा और भर सकते थे, ठीक है। बट अभी हम उसको ट्राई करके देखेंगे, वी डोंट केयर अबाउट प्राइस बिकॉज टुडे वी आर फीलिंग अमीर, ओके, एंड सिर्फ हम टेस्ट देखेंगे, सिर्फ टेस्ट देखेंगे। तो भाई साहब पहले मैं ट्राई करता हूं, मतलब लास्ट तो आगे ही आ रहा है, ठीक है, ट्राई करके देखते हैं बास्किन रॉबिन्स का, वैसे तो दे आर लाइक फेमस फॉर द आइसक्रीम, आई थिंक फॉर सम रीजन आई थिंक ये इट स्मेल्स बेटर, आई थिंक टेस्ट भी बेटर होगा इसका, आई हैव अ फीलिंग ऐसा है, इज इट अच्छा है, बट तू बता, तेरे को पहले वाला अच्छा लगा या ये वाला? मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगा, बट जो बर्गर किंग का पिया था ना वो थोड़ा ज्यादा मैंगोइश लग रहा था, आई फील ये ज्यादा नहीं भाई, आई फील ये ज्यादा रियल है ऑनेस्टली, लाइक लास्ट वाला जो बर्गर किंग का था अभी भी आई थिंक वो आइसक्रीमिश था, बट ये है लाइक ये रियल मैंगो मिर्चे का फ्लेवर है, आई फील मुझे लास्ट वाला बेटर लगा, उसके अंदर ज्यादा अच्छा था, मतलब इसके अंदर इन्होंने लिखा है पल्प है, बट आई कैन टेस्ट यू नो एनी सॉर्ट ऑफ मैंगो, ये पल्प वगैरह तो नहीं है, होगा वही नॉर्मल कुछ सिरप वगैरह, बट टेस्ट इज बेटर, ठीक ठाक है, मतलब इतना मुझे अच्छा लगा, इससे बेटर आप वर्किंग वाला ट्राई कर सकते हो अभी के लिए, बट अभी जो लास्ट वाला है ना वो मुझे लगता है कि सबकी मतलब हालत टाइट कर रहा है, ठीक है। लेट्स ट्राई दैट वन एंड देखते हैं उसका टेस्ट कैसा है, लेट्स ड्रिंक दैट। इट्स टाइम फॉर फाइनल मिल्क शेक, एंड भाई साहब इसका नाम क्या है, इसका प्राइस क्या, प्लीज लोगों को बताओ। okay, इसको मैंने मंगवाया मैकडॉनल्ड्स से, इसका नाम है मैंगो थिक शेक, इसका प्राइस है 194, सेम बर्गर किंग वाला नाम है इसका। अच्छा, सेम बर्गर किंग वाला नाम एंड प्राइस क्या है इसका, प्राइस है 194 रुपए, काइंड ऑफ बर्गर किंग वाला प्राइस भी उतना सिमिलर ही है, ठीक है। बट इसके अंदर चीज स्पेशल है, एक तो इसके अंदर रियूजेबल बॉटल मिलती है, फॉर दैट यू नीड टू पे 10 रुपीज एक्स्ट्रा, बट मेरे को लगता है कि बेटर बॉटल है, क्योंकि मैं इसको इतना ज्यादा यूज करता हूँ जो पुरानी पड़ी है, बट उसे साइड करते हैं, ठीक है। अभी जो मैंगो मिल्क शेक है ये किसी से भी बेटर लुकिंग, नो डाउट, बेटर लुकिंग, इसके ऊपर उन्होंने विप क्रीम डाली है, ठीक है, एंड वो अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वहां पियोगे देन ऑब्वियसली इट विल लुक मच मोर यू नो बेटर अपीलिंग, यहाँ तो ऑब्वियसली थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, बट स्टिल ये मैंगो शेक की क्वांटिटी भी मुझे ठीक ठाक लगी, फाइन है, ज्यादा बुरी नहीं है, ज्यादा बुरी नहीं है, एंड इसके ऊपर विप क्रीम है, ऐसा कलर भी थोड़ा मैंगो वाला ज्यादा है, मतलब जैसे मैंगो आइसक्रीम खाते हैं वैसे टाइप का कलर है, इसको ट्राई करके देखते हैं भाई साहब, ट्राई करो तब तक मैं लोगों को चीज बताता हूँ। मैंने इसका भी तरीका भी दिखाया कि इस बॉटल को कैसे खोलते हैं, काफी लोग पूछते हैं भाई ये बॉटल खुलती नहीं है, तो इसका तरीका यू नीड टू पुश दिस कैप होके मतलब नीचे की तरफ, देन यू नीड टू ट्विस्ट इट टू खुल, आई गॉट यू, आई थिंक ये बेस्ट है, नो डाउट, ये बेस्ट है, इट्स सो गुड, इसमें आइसक्रीम वाला अच्छा फ्लेवर है, इनफैक्ट एक बर्गर किंग का ना अजीब सा था, ये मजेदार है, असली वाला फीलिंग आ रही है मैंगो मिल्क शेक की, प्लस जो आई थिंक वाज व्हिप क्रीम है क्या ऊपर, मैंगो पीसेस भी है, पीसेस भी है, दैट्स व्हाई आई थिंक फिर ये बेस्ट है, नो डाउट, फिर
मैंगो मिल्कशेक में ना होना चाहिए, फिर चंक्स उन साथ में अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है, अच्छा है। बट आउट ऑफ देम ऑल दिस वन इज द स्वीटेस्ट वन, स्वीटेस्ट नो डाउट, बहुत सारा शुगर, ये बहुत मीठा है, मतलब ये मिल्कशेक बहुत मीठा है, ठीक है। तो ये मिल्कशेक अगर आपको पीना है तो ऑब्वियसली आपको ध्यान रखनी पड़ेगी डैट ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्वीट होगा। इफ यू वांट एकदम न्यूट्रल एंड माइल्ड टाइप का देन यू कैन गो फॉर बास्किन रॉबिंस, एग्जैक्टली वो सबसे कम मीठा था। एंड देन इफ यू वांट टेस्ट एंड आप अगर आपको मतलब चाहिए कि थोड़ी सी और ज्यादा क्वांटिटी मिले देन बर्किंग, उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, बर्किंग की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी, बट आई थिंक टेस्ट वाइज आई थिंक बेस्ट मैकडॉनल्ड्स होगा। यस एंड आप तीनों ही तीनों अभी देख सकते हो, ठीक है, तीनों कलर कैसा है, बिकॉज तीनों का जो कलर है बहुत डिफरेंट है, नो डाउट। अगर बर्किंग है तो सबसे लाइटर टोन पे बर्किंग, लाइट बर्किंग है, फिर बास्किन रॉबिन्स सबसे डार्क मैकडॉनल्ड्स है, बास्किन रॉबिन्स सबसे, सॉरी बास्किन रॉबिन्स नहीं, मैकडॉनल्ड्स में सबसे ज्यादा मतलब आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग है। एंड एनी डे ऑब्वियसली गोइंग टू ऑर्डर फ्रॉम ये सब चेन से, यू गोइंग टू गेट आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग, एंड उसके लिए पे कर रहा है, ऑफकोर्स आपको वही चाहिए इनफैक्ट। यस एंड हमने सुबह ना आज ही मैंगो मिल्कशेक पिया है, उसका टेस्ट ना घर वाले का कोई मैच नहीं, नो डाउट, इन सबसे 10-100 टाइम्स बेटर है, वो अलग ही होता है, वो बहुत अच्छा होता है घर का। बट अगेन अगर आपको नहीं आता बनाना है, फिर आपको मन कर रहा है पीने को, इफ यू आर मैकडॉनल्ड्स एंड आपको साथ में पीना है, सो यू कैन ट्राई मैकडॉनल्ड्स, वर्किंग में आप जाके पी सकते हो बास्किन रॉबिन्स, यू कैन अवॉइड, इतना अच्छा नहीं ऑनेस्टली। तो ये दोनों है जो हमारे सबसे अच्छे हैं, बट अगर एक चूज करना है मैकडॉनल्ड्स, देखो मैकडॉनल्ड्स, नो डाउट। तो आज की वीडियो में क्या करना है, आपने देख लिया, अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे भाई साहब बताएंगे क्या करना है, लोगों को बताओ, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, फिर बेल आइकन दबाना, आपके नोटिफिकेशन आना, और ऐसे नए नए वीडियो देख सको। भाई साहब कितना लड़खड़ा हो, बहुत हो रहा है, तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सी नई वीडियो पक चुके चैनल, ठीक है। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है, ऐसी वीडियोस को देखने के लिए कर लेना सब्सक्राइब, दो बार, ठीक है, ऐसी वीडियोस को देखने के लिए कर लेना सब्सक्राइब। सो टिल देन की मीटिंग इन नॉमिनेटिल देन, बाय बाय।